जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बोर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तब बसंत पंचमी का त्योहार आता है। इसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। बसंत को देखकर इसलिए भारत के कवियों ने भी क्या खूब लिखा है, संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया। जी हाँ बच्चों, बसंत पंचमी या बसंत छह ऋतुओं में से एक ऋतु भी है। ये वह मौसम है जब एक तरह से प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही होती है। बसंत पंचमी पर फूलों में परागण होना आरंभ होता है और सर्दी के बाद धीरे धीरे गर्मी का मौसम दस्तक देता है। बच्चों, यूं तो भारत में कई तीज त्योहार हैं और भारत को इसलिए त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हर त्योहार की ही तरह भारत में बसंत पंचमी का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व है। तो चलिए हम आपको इस त्योहार का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में समझाते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बसंत पंचमी के ही दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। ज्ञान की देवी का अवतरण होते ही इस पूरी सृष्टि ज्ञान की गंगा से सराबोर हो गई, जिसके बाद इस सृष्टि का सौंदर्य और ज्ञान दोनों ही बढ़ गए। वहीं भारत में खास तौर पर उत्तर भारत में छह मौसम होते हैं। इन छह मौसमों में यूं तो हर एक मौसम का अपना महत्व है, लेकिन बसंत ऋतु आते ही प्रकृति अपनी अनूठी छटा पूरी धरा पर बिखेर देती है। बसंत पंचमी को उत्तर भारत के अलावा भी एशिया के कई देश मनाते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन इसका सबसे अधिक उत्साह भारत में ही है। बसंत पंचमी की खास बात ये भी है कि ये त्योहार होली से 40 दिन पहले आता है और इसी दिन से होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बसंत पंचमी को भारत में त्योहार का प्रारंभ माना जाता है। दिवाली के बाद उत्तर भारत में ठंड पड़ती है और इस ठंड के बीच उत्तर भारत में ज्यादा तीज त्योहार भी नहीं होते। वहीं बसंत ऋतु के आगमन के साथ सर्दियां कम होने लगती हैं, मौसम खुशगवार हो जाता है। जहां ये मौसम विद्यार्थियों के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं किसानों को भी अपने खेतों में फसल लहराती दिखाई देती है। बसंत ऋतु के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अलग अलग उल्लास में रंगे नजर आते हैं, और ऐसा हो भी भला क्यों नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकृति श्रृंगार में डूबी दिखाई देती है। फूलों पर मंडराते भवरे और तितलियां जहां अपना मन परागण के लिए खो बैठते हैं, वहीं सरसों अपनी पीली छटा से नीले आकाश के कैनवास पर पीला रंग छटक कर मंत्र मुग्ध कर देने वाला सौंदर्य रच लेती है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? विभिन्न समुदायों के लिए बसंत पंचमी का महत्व अलग अलग है और इस वजह से लोग विभिन्न कारणों से बसंत पंचमी मनाते हैं। विद्वान लोग और कला प्रेमी लोग इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। छात्रों के लिए वसंत ऋतु को पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से स्कूल में कॉलेज में माता सरस्वती की पूजन के बाद आने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शुभ परिणाम के लिए मनोकामना की जाती है। वसंत पंचमी 2023 कब मनाई जाएगी, चलिए ये आपको बता देते हैं। अधिकतर भारतीय त्योहारों की तरह बसंत पंचमी भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं बल्कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। बसंत पंचमी को भारतीय महीने मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी दिनांक की बात करें तो साल 2023 में बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी को मनाया जाएगा।
बात करते हैं बसंत पंचमी पूजा विधि क्या होती है। बसंत पंचमी पूजा विधि की बात करें तो लोग सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद पीले स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा में पाटन लगाकर और उस पर लाल व पीले वस्त्र बिछाकर शुद्ध चावल यानी कि अक्षत की मदद से अष्टकमल मनाया जाता है। अष्टकमल के अग्र भाग में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद सरस्वती की पूजा की जाती है। भोग में सरसों गेहूं चढ़ाए जाते हैं। बच्चों, बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व भी है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व कथा आपको बता देती हूँ। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला और जब वह सीता हरण के बाद सीता की खोज कर रहे थे, उसी दौरान भगवान राम की अनन्य भक्त शबरी के आश्रम श्री राम पहुंचे थे। माना जाता है जिस दिन राम शबरी के आश्रम पहुंचे वह बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन भगवान भक्त के वश में होकर जब अपने भक्त के भावों को देखते हुए शबरी के झूठे बेरों का सेवन कर रहे थे, तब प्रकृति ये नजारा देखकर झूम उठी थी। गुजरात के डोंग जिले में आज भी शबरी नमक आश्रम आज भी मौजूद है और वहां पर शबरी माता का एक मंदिर भी है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल जुटती है। बसंत पंचमी को लेकर हालांकि कई तरह की मान्यताएं हैं। बसंत पंचमी क्योंकि सौंदर्य ज्ञान और प्रकृति से जुड़ा त्योहार है, इसलिए इस त्योहार को भारत के सभी लोग हर साल बेहद धूमधाम और सादगी भरे अंदाज में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, बसंत पंचमी पर आपको ये जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और खूब सारा पढ़िए। नमस्कार।